हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेकी शास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा, जिसके लिए पनीर मैंने घर में ही बनाया है। ये देखिए, इसे मैंने क्रम्बल कर लिया है। घर में बनाया हुआ पनीर पराठों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, वरना उन्हें बाज़ार वाले पनीर को ग्रेट करना होता है। इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई प्याज। इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ ग्रेटेड किया हुआ अदरक। अगर अदरक आप पसंद नहीं करते तो ना डालें। साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ अनारदाना, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अनारदाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना अवॉइड कर दें। इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और एक चम्मच मिर्च। मिर्च इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और चौथाई चम्मच काला नमक। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला मिलाकर हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए लगाते हैं हम आटा। आटे के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा लिया है। इसमें चौथाई चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम रोटी जैसा इसका डो लगा लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, वरना अगर हमारा आटा पतला हो गया तो हमारे पराठे नहीं बिल पाएंगे। इसे आटे को हमें ना ज़्यादा टाइट लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। आटा लगने के बाद में हम इसमें चौथाई चम्मच ऑयल या फिर घी लगा के आटे को मसल लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद हम फिर से इसे एक बार मल लेंगे। आटे को मलते हुए हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, जितना बड़ा पराठा हमें चाहिए। इस आटे से हम दो चार लोइयां बनाकर पहले से रख लेते हैं और फिर जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार करी है वो इसमें भर देंगे। एक लोई लेके उसे आटे में डस्ट करेंगे और 3 से 4 सेंटीमीटर की एक छोटी सी रोटी बना लेंगे। बस हमें इसे इतना ही बेलना है। अब हम इसमें जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो भर लेते हैं। इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग ही भरेंगे। ज़्यादा भरने से पराठे फट सकते हैं और कम भरने से इसमें सिर्फ आटे का ही टेस्ट आता है। स्टफिंग डालने के बाद इसे हम ऐसे साइडों से प्लेटें डाल डालकर बंद करेंगे और इस तरह से लोई को घुमाकर और जो हमारा एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल के रख देंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर इसे धीरे हल्के हाथों से बेलेंगे। पराठों को भी हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे, वरना जो भी हमने इसमें मसाला भरा है सब बाहर आ जाएगा। तवा हमारा गरम हो गया है, इसमें हम पराठा डाल रहे हैं। पराठा हमारा एक तरफ से सिक जाएगा, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। एक तरफ से पराठा सिक चुका है, हमें हल्का हल्का ही सेकना है इसे इस तरह से। इसमें अब हम लगाते हैं घी। घी या ऑयल आप जो भी पसंद करते हैं उसमें पराठा सेकें। घी लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। घी चारों तरफ रगड़ते हुए लगाना है ताकि अच्छे से लग पाए चारों तरफ। पराठों को हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, लो से मीडियम फ्लेम ही होनी चाहिए और पराठों को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर डाल के सेकेंगे। हमने जो इसमें स्टफिंग भरी है उसकी वजह से ये कभी कभी फट जाता है। जहाँ से भी हमारा पराठा फटे उसे हम हल्का सा प्रेशर से दबा देंगे और पराठा हमारा फूल जाएगा।
इसी तरह हमें अपने सारे पराठे बना के तैयार करने। ये देखिए हमारा चारों तरफ मसाला बराबर फैला है, कहीं से भी हमारा पराठा खाली नहीं है। आप भी पनीर का पराठा बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मुझे बताएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।